ये नोएडा सेक्टर 62 की झुग्गी है। ये बगल में आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और उससे जैसे थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में जैसे ही आप राइट लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ आगे आएंगे तो आपको ये झुग्गी नज़र आएगी। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, आप अक्सर जाते होंगे जिम में तो आपके पास काफ़ी इक्विपमेंट वहाँ जिम में रहता होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं उनके भी सपने हैं कि वो अपनी सेहत अच्छी बनाएं, तो यहाँ पर बच्चों ने बड़ा अच्छा देखिए आप बना रखा है। यहाँ पर दो ईंट बांध रखी है कपड़े से एक डंडे में, और इसको फिर उठाते हैं। उठाना कौन उठाता है इसको, ये देखो ये उठाते हैं और इससे एक कसरत करते हैं फिर यहाँ पर। तो ये रोजाना करते हो? यस, रोज करते हो, सारे बच्चे करते हैं? यस। देख सकते हैं आप, ये बच्चे भले ही छोटे हैं लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। ये भी चाहते हैं कि हाँ इनकी भी सेहत अच्छी रहे, ये भी सोसाइटी का मुकाबला करें, डट कर बराबरी कर सकें जो हाई प्रोफाइल है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, रख दो बाबू नीचे, अब यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं। और सरकार की तरफ से अगर बात की जाए यूपी में, तो दावा किया जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, और ख़ास करके ये दावा किया जा रहा है कि जो राशन है वो मुफ्त मिल रहा है। तो क्या इन लोगों को मुफ्त राशन मिलता है या नहीं? अम्मा राशन मिलता है? नहीं बेटा, नहीं मिलता है, कुछ भी ना मिलता यहाँ। हाँ। हाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं अम्मा आप लोग? यहाँ दिक्कत यही है बेटा, काम धंधा चल गया तो खाएं रोटी, और ना काम चला तो भूखे सोएं। भूखे सो जाएं, और क्या करें? इन बच्चों का क्या करते हैं? बस ऐसे ही जिंदगी कट रही है बेटा। कोई कोई जैसे गाड़ी घोड़ा से जा रहे हैं, मजबूरी देख रहे हैं, कोई कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बेकार है बेटा, पड़े हैं काट रहे हैं टाइम बेटा, बस यही है। हाँ, पानी वानी की समस्या? पानी तो कंपनी से मांग लेते हम लोग, मोटर का पानी पीते हैं, पीना नहीं चाहिए बेटा, इसी से तो हम लोग परेशान हैं। बीमारी और ज़्यादा होती है? होती है। तो जब बीमारियाँ होती हैं तो बच्चों को और अपने इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, किस जगह? यहीं वजीदपुर जाते हैं बेटा, डॉक्टर हैं उन्हीं के पास जाते हैं, जब पैसा होता है तो इलाज भी होती है, ना पैसा होता तो टेम्पररी गोली लेके खा लेते। सरकारी अस्पताल गए कभी? हाँ, वहाँ इलाज मिलता है? ठीक मिलता है, लेकिन वहाँ भी बेटा आप जानते हो सरकारी पैसे वाले की है, गरीब को तो ऐसे ही इंसान नाली के कीड़े जैसे फेंक देते हैं बेटा। एक चीज़ और बताओ, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या करते हैं? अरे बच्चे ये नाती और एक वो जो लड़की अभी गई पढ़ रही है वो अजीतपुर में, एक मैडम ऐसी है ना बेटा, है तो प्राइवेट, वो मैडम आके उसकी हेल्प करी कि ये लड़की जात है, ये क्यों ऐसा रहे। उनका नाम परगदी था, बनारस के रहने वाली थी, उनकी लग रहा मुझे कि शादी ब्याह हो गया, जब से वो गई फीस बंद हो गई, लड़की बैठ गई, फिर उसके बाद से लड़के घर पे बैठ गए। क्या करूं बेटा, अपनी औकात भी ना है, जब हम रोटी के मुस्ताद हैं तो हम पढ़ा कैसे सकेंगे बेटा, बात यही है। हालांकि सरकार जो है दुनिया में पैसा, हम बेवा हैं, हमारे चार पांच नाती नतिनी हैं बेटा, किसी तरह अपना मेहनत मजदूरी, अगर काम लग गया झाड़ू पोछा करके, किसी तरह रोटी जो है बेटा पाल रहे, नमक रोटी खा रहे, अब खाने के बावजूद अगर कोई बीमारी लग गई तो हम लोग मर गए कुत्ता की जैसा, जैसे देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जो कि विधवा की पेंशन मिलती है बेटा, ना हमें राशन कार्ड मिल पाए। प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के हैं? यहाँ बाद में वाले हैं बेटा, अयोध्या का। अयोध्या के? हाँ। तो अयोध्या से यहाँ कब आए? यहाँ हमें रहते हुए 20 साल हो गया, किसी से पूछ लो। यहाँ पहली बार जब आए थे अयोध्या से, तो क्या वजह थी अयोध्या छोड़ के यहाँ आए? काम करने के लिए आए थे बेटा, काम करने के लिए। हाँ। अयोध्या में कुछ है अपना खेत पात या घर वर? तो नहीं है बेटा, घर मकान है, जैसे यहाँ है ऐसे समझ लो सोन में, वहाँ भी ऐसे ही। तो यहाँ पर आए फिर धीरे धीरे यहीं पर बस गए? बस गए हाँ। तो जिसका प्लॉट है मालिक का, उनने यही मजबूरी देख के बोला कि रहने दो, जब इसकी बनने की टाइम आ जाएगी तो खाली कर दे। यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं आप लोग? 20 साल हो। 20 साल हो? हाँ। यानी कि मालिक ने 20 साल से आप लोगों को यहाँ पे? हाँ। तो किराया वराया भी लेते हैं? नहीं नहीं,
कुछ भी ना लेते, मालिक बहुत अच्छे हैं बेटा। तो मान लो अगर उन्हें कभी यहाँ पर बनाना हो तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे, कुछ सोचा है कभी? जब यहाँ बनाएंगे तो कहीं और भाग जाएंगे या मालिक कहीं और बता देंगे कि यहाँ रह लो। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, अगर यहाँ से आप लोगों को निकाला जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं मिलेगा जगह फिर झुग्गी बना लेंगे, हमने तो अपने घर पर चले जाएंगे, क्या करेंगे। आप भी अयोध्या के रहने वाले? हाँ, अयोध्या। यहाँ पर ज्यादातर लोग अयोध्या के ही रहने वाले? सब 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 अयोध्या। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काम धंधा किस तरीके का करते हैं, कहाँ पे? बेलदारी करते हैं सब, रोज का रोज कमाते हैं, रोज का खाना है, बस यही करते, बच्चे पेट पाल लेते। जिस दिन मान लीजिए काम धंधा ना मिले उस दिन फिर? उस दिन नहीं मिलता तो राशन उधार ले आते, फिर मिलता काम फिर करके ले जाते, दे के आ जाते। कभी ऐसा भी हुआ कि खाली पेट सोना पड़ा हो? और नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सोना, सरकार भी दे जाते हैं, गाड़ी आ जाता खाना पीने वाला। अच्छा। बना के वो दे जाते, वो बना बनाया खाना आ जाता। तो दिक्कतें जो है वो क्या क्या है, किस तरीके की? ये सब बेटे बस ऐसे ही है पड़े हैं, तुम हालत हमारे लोग को देख ही रहे हो, झुग्गी में बस बना के है झुग्गी, अपना टाइम गुजार रहे, बच्चे लोग का पेट पाल रहे, बस यही हमारा। आप लोगों को भी कुछ सपने होते होंगे कि हाँ बच्चों को पढ़ाएं अच्छी जगह, और भी तरह तरह की चीज़ें, कभी कुछ इस तरीके की सोचते हैं ऐसी चीज़ें? जरूर सोचते, बच्चे पढ़ते भी हैं सरकारी स्कूल है, चले जाते हैं उसमें, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छे होता है, बच्चे पढ़ते हैं बताते हैं, और जो जिसको नहीं पढ़ाने के रहे तो वो नहीं पढ़ाते, जिसको ख्वाहिश से पढ़ाने को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर तस्वीरों में तो यहाँ पर अलग अलग सबने अपना अपना घर बना रखा है, दादी का घर अलग है, इनका अलग है, सबका अलग अलग घर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक और मैम है हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप समस्या सबका है, यही गरीब ही वाला, बस यही खाने पीने को काम धाम का यही सारे समस्या है बस, अब और क्या कहे इसके आगे। कभी किसी मतलब जैसे जो यहाँ के स्थानीय नेता होता है वो कभी आए कि हाँ क्या समस्या? बहुत सारे आते जाते हैं भैया, लेकिन सभी जैसा थोड़ी होते हैं। हाँ, कहते हैं, कह के अगर चले गए तो वो भूल के बैठ गए, कौन किसको देख रहा बेटा, कोई देख नहीं। और जो अच्छे हैं वो बना बनाया कभी बच्चों के लिए खाने दे गए या दूध दे गए जैसे, और ये राशन पानी जो है बेटा हम लोग का ना मिलता। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, यही खाने पीने को मिल जाता है, और क्या मिलता है, और कोई भी राशन आसन जो मुफ्त मिलता है, ये सब कुछ भी नहीं मिलता। अभी तो आंटी जी बता रही थी राशन मिलता है। अच्छा, उधार? हाँ, दुकान से, दुकान से लाते। मतलब सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सुविधा नहीं? नहीं, सरकार की तरफ से यहाँ पर तो नहीं है बेटा, गांव में मिल जाता अगर होते तो। तो आप लोगों का जो आधार कार्ड है, जो राशन कार्ड है, वो यहाँ का है या कहीं और का है? गांव का है। गांव का है बेटा। यहाँ काम धंधे की तलाश में आए तमाम लोग, और फिर उन्होंने देखा तो बेरोजगारी, देखा तो गरीबी और तरह तरह की समस्याएं। समस्याओं के अलावा यहाँ पर लोगों को और कुछ नहीं मिलता है। वो जब सुबह सोकर उठते हैं तो समस्याएं तमाम उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, और शाम को जब उनकी आँख लगती है यानी कि सोने के पहले, तब तक समस्याएं उनके सामने वैसे की वैसे बरकरार रहती हैं। उम्मीदें हर दिन रहती हैं कि कोई ऐसा सवेरा हो जिस दिन अच्छा काम धाम मिले और अच्छे पैसे घर को आएं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि काम धंधा नहीं मिलता है, ऐसे में जो राशन होता है, घर का जो सामान होता है, वो कई बार दुकान से उधार लेना पड़ता है। यहाँ पर एक भैया और हैं, इनसे भी हम पूछते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद सिंह। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले तो कन्नौज के हैं। अच्छा, तो अभी मतलब इन्हीं झुग्गियों में इन्हीं यही रहते हैं? हाँ, ये बगल वाली आप? जी जी जी। तो काम धंधा का क्या है, मतलब बेरोजगारी को लेकर अगर बातचीत की जाए तो कितनी दिक्कतें आती है? दिक्कत तो है ही भैया, रोजगार पानी तो ऐसा ही है, काम चलाओ। महंगाई? महंगाई तो खूब ही है, मतलब परेशानी ही परेशानी है। परेशानी है, लेकिन उसके साथ कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ मेहनत भी कर रहे हैं,
सुविधाएं क्या क्या है आप लोगों को ये बताइए। अब सुविधाएं तो जो सरकार दे रही है वो मिल रही है सब। क्या सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं क्या, अभी ये तुम्हारा लॉकडाउन वगैरह लगा था उसी समय राशन वगैरह बांटे हैं, कुछ पैसा भी किसान दिए आते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वो किसानों के पास। गैस सिलेंडर से याद आया, बड़ा महंगा हो गया है अब तो, आप लोगों को दिक्कत आती है? हाँ दिक्कत तो है, महंगाई तो एक ऐसी चीज है कि सबको परेशान करती है। युवाओं से भी बातचीत करते हैं क्योंकि अक्सर युवाओं के देखा जाए तो उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। यहाँ पर दो भैया हमारे साथ हैं, क्या नाम? अरमान। यहाँ पर आप जब आए रहते हैं तो आप काम धंधा ढूंढते हैं या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करें, कुछ तैयारी करें, क्या चीज़ें आती है दिमाग में? बस काम करना, घर के सेवा करना, और क्या आती है इसे? इसके अलावा कुछ भी? और कुछ नहीं आती। होता है कि सुबह सोकर उठते हैं तो आज काम मिल जाए, कहीं काम पे चल जाए कि कल मिल जाएगी, परसों मिल जाए, बस काम का चिंता रहती है बस। और क्या? अच्छा जहाँ कहीं काम करते हैं तो ठेकेदार ही जाहिर सी बात है पेमेंट करते होंगे, तो पेमेंट बराबर होती है टाइम? हाँ बराबर हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि पेमेंट में दिक्कत आती? नहीं पेमेंट में कभी दिक्कत नहीं आती, जैसा काम करो वैसा पैसा ले जाओ अपना, एक भी ना देरी होती ना कुछ होती, पैसा दो काम करो। अच्छा अगर बात की जाए यहाँ पर सुविधाओं की, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? अब क्या होनी चाहिए, बस कि पानी भर जाता है, लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अच्छा से रहे ही लोग। शौचालय का क्या कुछ इंतजाम है यहाँ पे? शौचालय से जब से लोग तो 20 साल से ही लोग उमर के ही लोग कट जा रहा है, लेकिन शौचालय का भी पता नहीं चला कि शौचालय बना है कि नहीं बना। अब एक शौचालय उधर है तो एक एक घंटा रास्ता कौन जाता है? आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? बस उधर मेट्रो का पास। अच्छा उधर ही जाते हैं। तो मान लीजिए किसी दिन किसी की तबीयत खराब हो जाए या देर रात किसी महिला को जाना हो तो इससे में कोई ना कोई साथ जाता होगा? हाँ जाते हैं, दो लड़की तीन लड़के के साथ जाते हैं बस। और कुछ तो जो दिक्कतें हैं वो बदस्तूर ऐसे ही बरकरार हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ कहीं ना कहीं बड़े लोगों के लिए ही हैं, इन लोगों की कोई हाल सुध लेने वाला नहीं है, चाहे बात कर ली जाए सरकार की चाहे जनप्रतिनिधियों की, जो भी है वोट के टाइम पे अक्सर सब दिखाई देते हैं, उसके बाद में आगे पीछे कोई हाल पूछने वाला नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आदर्श मोहन, सन्नाइस न्यूज़ नोएडा।